अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी किसी नहीं, आज हम जाएंगे गीगा मॉल में। आपको पता है येस्टरडे तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन अभी भाई मस्त रेडी हो चुके हैं। और देखो अभी हो रहे हैं सुबह के 10:04, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास। अभी जल्दी से भाई रेडी तो हो चुके हैं, अभी बस जाना है हमें मामू को उठाना है घर से, उसके बाद चलेंगे सीधा गीगा मॉल के लिए। बाकी मौसम जो काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ये देखो मौसम भाई फुल मस्त, धूप निकली हुई है, गर्मी बहुत है। पर चलो अभी निकलते हैं ना, अभी गाड़ी जो है अभी रेडी करते हैं। गाइस कल तो प्लान कैंसिल हो गया था गीगा मॉल का, लेकिन आज नहीं होगा, आज पक्का जाएंगे। ठीक है, आपको सारा कुछ दिखाएंगे जो भी उधर करेंगे। अभी जो है अपनी गाड़ी भी रेडी है, एसी भी लगा ली है, तो अभी चलते हैं बस सीधा गीगा मॉल के लिए। 2 hours later। तो गाइस अभी मैंने चलाई रवा तक, अभी मामू चला रहे हैं, तो चलो अभी निकलते हैं भाई, गीगा मॉल पास ही है। तो गाइस अभी आए इधर गीगा मॉल की पार्किंग में, गाड़ी पहले पार्क कर लेते हैं फिर अंदर चलेंगे गीगा मॉल के। भाई देखो इन्होंने प्रेयर रूम बनाया हुआ, कितना अच्छा भाई डिज़ाइन चेक करो, अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सही बनाया हुआ यार। अंदर आ चुके हैं भाई, देखो अभी स्प्लिटर से ऊपर जा रहे हैं, देखते कौन से फ्लोर में रुकेंगे। तो गाइस देखो भाई इधर शॉपें हैं काफ़ी, पहले फ्लोर में मसाज की, कपड़ों की, और देखो इधर भी है जूसर वूसर लगे हुए, ओवन, ये ड्रेस की, बच्चों की ड्रेस की, इधर जो है हाइकिंग वाइकिंग की। गाइस ये सही बनाया हुआ है, देखो ट्री के ऊपर लाइट लगाई हुई है, बैठने बैठने की जगह, इधर बेड की दुकान है, बेड शेड लगे हुए हैं, और जो इधर है ना ये परफ्यूम की दुकान है। इधर हमने पिछली बार आके बहुत ज़्यादा परफ्यूमें ली थी इधर से, तो गाइस अली भी ये रहा। और इधर देखो अभी डोनट की दुकान दिखी है हमें, और भी शॉपें, अभी जो है सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं हम, धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे बाकी फ्लोर में। तो इधर देखो भाई मैप है, ये पूरा सेकंड फ्लोर की चीज़ें हैं इधर जितनी भी हैं ना इधर लिखी हुई हैं। और इधर जो है लेडीज़ की कपड़ों की दुकान भी है सेकंड फ्लोर में। अभी जा रहे हैं थर्ड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में देखते हैं क्या क्या है। ये वाली शॉप दिखी है, ये शॉप भाई बाकी शॉप से काफ़ी बड़ी लग रही है, ये भी बड़ी है, लाइम लाइट। अभी जो है फैमिली अंदर गई हुई है कपड़े शपड़े देखने के लिए, हम तो इधर बाहर वेट करेंगे। तो गाइस अभी शॉप में हमें बच्चा मिला है भाई, देखो हम इसके पास जा रहे हैं, भाग रहा है और पता नहीं किसका है, कोई पूछ नहीं रहा, इधर अकेले घूम रहा है भाई, इसके अम्मी अबू पता नहीं किधर हैं। फिर मैं और मामू तो बैठे हुए हैं इधर, अभी वेट कर रहे हैं, लेडी सेशन में गए हुए हैं अपनी फैमिली, हम उधर क्या ही करेंगे, इधर बैठ जाते हैं भाई। एडिडास की शॉप भी है अंदर, कपड़े पड़े हुए हैं और शूज़ भी, और इधर जो है सूट वाली दुकान भाई, और उधर आगे और भी दुकानें हैं। अभी हम दूसरे फ्लोर में जा रहे हैं, जो पहले मैंने आपको दो फ्लोर दिखाए थे ना, वो ग्राउंड फ्लोर और B1 थे, मतलब अभी एक्चुअल जो है फ्लोर स्टार्ट हुए हैं। बहुत बड़ा है भाई, इधर चल चल के नहीं है, समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहे हैं। अभी अली ने ये लिया है भाई ब्लू कलर की स्लशी, स्लशी बोलते हैं मुझे लगता है, और ये पी रहा है, देखो भाई इसकी जो टंग है वो भी ब्लू हो चुकी है। और इधर बच्चों के जो है छोटी छोटी ट्रेनें भी बनी हुई हैं, मुझे लगता है इधर ही आसपास घुमाते हैं अगर इनको बोलो तो। और इधर जो है मसाज मशीन लगी हुई है, मसाज भी कराते हैं। मैं एक और परफ्यूम की शॉप दिखी है, और बाय द वे देखो भाई अजान हो रही है, तो इधर अजान की आवाज़ आती है गीगा मॉल में। तो गाइस ये देखो भाई इधर पूरा मैप, इधर सारे फ्लोर लिखे हुए हैं, और कितना बड़ा है देखो। तो वैसे अभी अली ये खेलने वाला, ये वाली जो आइसक्रीम नहीं है टर्किश में जो होता है भाई, ऐसे घुमाते हैं लेने नहीं देते, देखो अभी अभी शुगल होने वाला है।
देखते हैं भाई, ये पाकिस्तानी स्टाइल है थोड़ा। तो भाई साहब देखो, भाई अली ने बिठा लिया है पायरेट। खेलने वाली जगह भी है इनडोर बच्चों के लिए, गाड़ी वाड़ी है और भी थोड़ी बहुत गेमें हैं इधर। अली सोच रहे इधर जाने की, बट देखते हैं अभी। और सामने जो है भाई सारे फूड की स्टॉल हैं, जो भी शॉप्स हैं ना सारे फूड की, ऑलमोस्ट हर चीज़ है इधर। अभी जाके आपको दिखाते हैं और शायद फिर देखेंगे क्या खाएंगे। इधर देखो भाई, जैसे हांगकांग में नहीं होता हम जाके खेल रहे होते हैं, ऐसे आर्केड गेम्स वैसे ही हैं। तो गाइस अब इसके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। अली को जो है ना बम्पर कार चलानी है, तो फुल वो चलाने दें। और भी तो बहुत सारे राइड्स हैं यार, देखते हैं अभी क्या क्या करेंगे इधर। ऐसे जो पंचिंग वाली मशीन है जो मैंने हांगकांग में ट्राई की थी वो भी इधर है, बट देखते हैं अभी करेंगे कि नहीं। इधर काफ़ी थोड़े बंदे हैं आज, वैसे संडे फिर भी थोड़े बंदे आए हुए हैं। इस जगह का नाम है देखो फन सिटी। वेट भाई सही दिख नहीं रहा यार, लाइट इतनी है दिख नहीं रहा सही। तो गाइस अभी जो है काउंटर में आए थे, टिकट एक ले लिया अली के लिए। देखते हैं अभी अली कहाँ कहाँ खेलेगा। आ चुके हैं भाई, देखते हैं अली को कहाँ जाना है पहले। इधर और छोटी मोटी राइड्स भी हैं जो मतलब जैसे थीम पार्क में नहीं होती वैसी। तो गाइस अभी अली बैठ चुका है भाई, अली को डर लग रहा है भाई। तो सामने देखो भाई बम्पर कार, उधर हमें एक हैमर वाली जो है गेम मिली है। हैमर मारो ना ऐसे तो पता चलता है किसका मतलब ज़्यादा स्कोर जा रहे हैं। ये देखो भाई ये वाला हैमर वाला बोल रहा हूँ मैं, इधर एक हैमर होता है ना इधर मारना पड़ता है, फिर यहाँ पर स्कोर पता चलते हैं। जैसे पंच वाला नहीं, इधर देखो पंच वाला भी है। इधर का पता नहीं क्या सिस्टम है, टॉप स्कोर है 9000। अब देखते हैं भाई मामू और मैं ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा मतलब स्कोर बनाता है इसमें। तो वैसे अभी अली जा रहा है भाई बम्पर कार चलाने के लिए, हम तो नहीं गया, अली अकेले जाएगा। उधर से देखना अभी उठानी पड़ेगी कोई गाड़ी। भाई भाग भाग के जा रहा है, बोल रहा रुक जाओ। तो गाइस अली भी चलाने वाला है, उससे आगे ही नहीं हो रही भाई, पहली बार चला रहा है इधर। आगे चला गया, हांगकांग वाली मस्त यार, ओशन पार्क वाली। फंस गया भाई, उसे निकल ही नहीं हो रहा। ओ ओ भाई अली को सही लगी है, इसे चल ही नहीं रही गाड़ी, उसे गाड़ी नहीं चल रही भाई। ओ भाई अली तो मार खाने गया है भाई, चलाने नहीं गया, तो मार खा रहा है उधर जाके। भाई उसे कुछ भी नहीं हो रहा उससे यार, पहली बार गाड़ी में बैठा है, ओगो में चला नहीं सकता ना, इधर आके भी खुश हुआ था, चल ही नहीं रही गाड़ी। अभी सबको बता रहे अली को, अली को पता ही नहीं चल रहा। अभी थोड़ी बार फिर भी चला ली, इधर आ गया था मुश्किल से, अभी आके जा रहा, अभी टाइम खत्म होने वाला, थोड़ी देर रह गई है। तो गाइस अभी अली ट्राई करने वाला ये हैमर वाली गेम, देखते हैं भाई कितना जोर लगता है। ये क्या था भाई, फिर नो आई। तो गाइस मेरा तो भाई गया है 18 तक, अभी मामू की बारी, मामू को देखते हैं भाई। मामू फुल जोश में, फुल जोश में मामू। अरे भाई मेरे को बस मेरा बीट ना कर दे। ओ शिट 21 चले गए। तो अभी अली ये वाला खेलना चाहता है पानी वाली गेम, जिधर हॉल में डालना पड़ता है पानी, फिर ये बालू जो है ऊपर जाता है। तो चलो अभी गाइस अली की गेम शुरू होने वाली है। तो गाइस इस गेम से अली को मिला है भाई बालू, छोटा सा टेडी बेयर। तो गाइस अभी मामू की बारी, मैंने तो लड़की से भी थोड़ा मारा है, उसने 5000 मारा, मेरा 4000 है। आप देखते हैं मामू कितना मारते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइस अभी मामू इधर करने वाले हैं, इधर बार में लटकना पड़ेगा 60 सेकंड के लिए, फिर प्राइज मिलेगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा, देखता हूँ।
तो गाइस मामो भी करने वाले हैं 60 सेकंड के लिए भाई। जो अभी वो हैंगिंग वाला था वो पूरा बाहर वाला, वो तो मेरे 4 सेकंड रह गए थे भाई, मैं गिर गया। क्या करूं भाई, पता नहीं क्या कोई टेक्निक होगी शायद, बट मेरे हाथ भाई बहुत सुन हो गए थे, तो मैं गिर गया। अब क्या करूं, देखो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, अब इनमें से एक चूज़ करेंगे जिधर खाएंगे, तो देखते हैं। अभी काफ़ी सारे चॉइसेस हैं इधर, बैठने बैठने की जगह भी है। तो गाइस अभी ये लेके आए अली, देखो पानी पूरी अली को ये ट्राई करनी थी, देखते हैं अभी अली ट्राई करेगा। क्या भाई पूरी डाल दी, इससे खाने नहीं हो रही, कहते हैं मजेदार मजेदार। हमें ये वाला रेस्टोरेंट थोड़ा सही लगा है, ये देखो मलंग रेस्टोरेंट, इसमें चीजें थोड़ी सही थी, इधर जाके भी ट्राई करते हैं खाना। तो गाइस जो अभी मेन डिश है वो तो नहीं आई, पहले तो इन्हें पापड़ दे दिए हैं, इधर तो भाई ने कोड भी मारे हुए हैं भाई, ये देखो हर जगह लिखा हुआ है, मत पूछो मेरी क्या हो तुम, बिरयानी लेग पीस हो तुम भाई, अलग ही रेस चल रहा है इधर, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, मज़ा आया। तो गाइस देखो भाई अपना खाना आ चुका है, इधर चिकन है, हांडी है, और भी बहुत ज़्यादा पीसेस पड़े हुए हैं, चिकन कबाब के नान भी हैं, सलाद ये रहा भाई, काफ़ी बड़ी कढ़ाई है देखो भाई, इतनी बड़ी भाई कैसे फिनिश होगी, हम काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं बट देखेंगे, चेक करो भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। A few inches later. तो गाइस ये रेस्टोरेंट था, देखो अभी पैक भी जो है करा लिया है, तो खाना सही था बस के बहुत ज़्यादा था, आधा हमने पैक करा लिया है, बाकी अगर आप इतना चाहो आ सकते हो गीगा मॉल में। तो गाइस अभी इधर आए हैं ना रोल आइसक्रीम खाने के लिए, काफ़ी अच्छी तरह से बनाते हैं, पिछली बार खाई थी काफ़ी पसंद आई थी, देखो भाई भी बना रहे हैं। ये वाला लिया है, ये बिस्किट जिसमें धुआं निकलता है, पता नहीं क्या ये, देखो इसमें पानी होता है ना, इसमें मिक्स करके फिर खाओ ना तो धुआं निकलता है मुंह से, ये मैं ट्राई किया था, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल से बिस्किट है, टेस्ट नहीं है इतना, बस ये कि बस धुआं निकालने के लिए। तो गाइस अपनी आइसक्रीम आ चुकी है, देखो ये वाली ओरियो ऐसे रोल करके दे देना भाई, बड़ी मज़े की होती है ये। फिर परफ्यूम लेने आए थे, परफ्यूम लेते हैं तो फिर निकलते हैं, मुझे लगता है बस हो गए गीगा मॉल में। तो गाइस अभी इस मॉल में आए भाई, इस मॉल का नाम है पेप्सी, ये मतलब US में जैसे टारगेट नहीं होता वैसे हर चीज़ ही है इधर, AC, TV, खाने पीने की चीज़ें। तो गाइस ये देखो भाई कितना बड़ा TV है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा कितना बड़ा है भाई, मामू के साथ कंपेयर करते हैं भाई, ये चेक करो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ा यार, पता नहीं इसमें कितना लिखा होगा साइज़ शायद, यानी प्राइस देखो इसकी 5 लाख है, बट इसका साइज़ कितना है यार, साइज़ नहीं दिख रहा। तो गाइस इस शॉप का नाम है कैरीफोर, पेप्सी नहीं है, देखो वो एंड तक जाता है भाई, ये जो शॉप है ना इतनी बड़ी है, कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, टेंट वेंट हैं, सब कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट आपको। तो गाइस इनकी फ्रूट वाली दुकान देखो भाई कितनी अच्छी तरह से इन्होंने डेकोरेट की हुई है, हर चीज़ें भाई सही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मामू भी फ्रूट वगैरह ले रहे हैं। तो गाइस अभी गन्ने का जूस पीने आए हैं, इधर बना रहे हैं 5 ग्लास हमारे लिए, देखते हैं भाई कैसे बनते हैं। जूस कहाँ से निकल रहा है दिख नहीं रहा, यहीं से निकाल के जो कचरा होता है वहाँ डाल देते हैं।
अच्छा जूस देखो वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से आ रहा है जूस। भाई चार ग्लास के लिए बहुत ज़्यादा गन्ने लगते हैं। और अभी आइस लेके आ रहे हैं, ठंडा जूस करेंगे ना भाई। सही है यार, ठंडा इतनी गर्मी में ठंडा जूस सही है। अभी डालेंगे ग्लास में, ठंडा हो चुका है। अच्छा नहीं गाइस, पांच ग्लास थे। तो गाइस अपना ग्लास तो आ चुका है, अभी टेस्ट करते हैं भाई इन्होंने नलकी भी दी हुई है। मज़ेदार भाई, फुल ठंडा, मस्त नेचुरल भाई, ऑर्गेनिक, फुल मस्त है, बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, मज़ेदार। तो गाइस अभी मैं उनको अपना यूट्यूब बता रहा हूँ, वो पूछ रहे थे कि टिकटॉक की वीडियो बना रहे हो, मैं कह नहीं भाई यूट्यूब बना रहे हैं, अभी वो यूट्यूब ले रहे हैं, यूट्यूब का मेरा अकाउंट, अब वीडियो देखेंगे। One hour later. घर पहुँच चुके हैं गीगा मॉल से, बाकी बड़ा मज़ा आया यार, खाना पीना खाया और आसपास जो गेमें थी गीगा मॉल में वो भी खेली, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। अभी जाते रहेंगे गीगा मॉल में, हमारा चक्कर बनता रहेगा, उधर जाएंगे कभी कभी घूम फिर के आ जाया करेंगे। बाकी अभी मैं ब्लॉग को एंड लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपका नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।